राम राम जी, नमस्कार। मरुदर क्लासेज प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैथ के अंदर आज हम दी गई आकृतियों के अंदर वर्गों की संख्या कैसे गणना करनी है, तो वो बहुत ही साधारण तरीके से ट्रिक के साथ में यह समझाऊंगा। एक बार आप इनको समझ लीजिए, फिर आप कभी भूलने वाले नहीं है। तो मैं आपको आकृतियां दे रखी है, इनकी आपको कैसे गणना करनी है, इसके अंदर कितने वर्ग है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों इसमें देखना है कि इसके अंदर नंबर कैसे देना है। बस खेल में नंबरों का ही है। यदि आपको नंबर देने आ रहे हैं तो आप इनके अंदर वर्गों की संख्या कितनी है आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर नंबरिकल आप इस कोने से दीजिए या इस कोने से दीजिए, वो आपकी मर्जी है। यदि आप इस कोने से नंबर दे रहे हैं तो यहाँ से एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर और चार नंबर। आपने इस कोने से नंबर दिया है तो जस्ट इस कोने के सामने वाले कोने से और आपको नंबर देने, ये ध्यान रखना। जिस कोने से नंबर दे रहे हैं इसके जस्ट सामने वाले कोने से ही आपको नंबर देना है। यदि आपने इस कोने से या कोने से नंबर देने स्टार्ट किए तो आपके वर्गों की संख्या गलत आ जाएगी, तो ये ध्यान रखना है। तो यहां से आपको नंबर देना है एक, दो, तीन और चार। आप बार नंबर देंगे तो आसानी रहेगी। अब आपको क्या करना है, आपस में इसकी मल्टीप्लाई करनी है, किरण के रूप में मिलाते हुए आपस में आपको मल्टीप्लाई यानी गुणा करना है। अब देखिए, एक को एक से गुणा, दो को दो से, तीन को तीन से और चार को चार से। अब आपस में इनको गुणा करके लिखना है। एक को एक से गुणा करने पर एक, दो को दो से गुणा करने पर चार, तीन को तीन से गुणा करने पर नौ, चार को चार से गुणा करने पर सोलह। अब इनकी आपस में क्या करनी है, जोड़ करनी है। मैंने पहले वीडियो के अंदर आपसे चर्चा की है कि त्रिभुज की संख्या कैसे गणना करनी है। उनके अंदर दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था और बाद में भी प्लस करना था, लेकिन वर्गों की संख्या निकालनी है तो इसके अंदर पहले गुणा करना है, फिर बाद के अंदर जो उत्तर आ रहा है उनकी जोड़ करनी है, ये ध्यान रखोगे। अब इनकी जोड़ कितनी हो रही है, 30। तो इसके अंदर वर्गों की संख्या कितनी है, 30 है। अब वैसे इनके अंदर भी आपको नंबरिकल लेना है, एक नंबर, दो नंबर, तीन, चार और पांच। आपने इस कोने से स्टार्ट किया है तो जस्ट इसके सामने वाले कोने से ही आपको नंबर देना स्टार्ट करना है, ये आपको नहीं भूलना है। तो एक, दो, तीन, चार और पांच। अब इनके अंदर भी क्या है, तो आपस में आपको किरण के रूप में मिलाते हुए आपस में गुणा करने हैं। अब एक को एक से, दो को दो से, तीन को तीन से, चार को चार से और पांच को पांच से। अब आपस में गुणा करने के बाद में यहाँ पे लिखना है एक, ये चार, ये नौ, सोलह और पच्चीस। अब इनकी आपस में जोड़ करके कमेंट बॉक्स में जरूर इसका उत्तर देवें, ताकि मुझे पता चले कि आप जो गणना कर रहे हैं वो सही है या गलत है। इनका जरूर आप कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर मुझे भेजिएगा। अब इसके अंदर दोस्तों ये आकृति चेंज हो रही है, ये और ये तो समान थी, अब ये आकृति चेंज है। इनकी गणना कैसे करनी है ध्यान से देखिए। इनके अंदर भी नंबर इस कोने से दे रहे हैं, तो एक, दो, तीन, चार और पांच। अब इस कोने से नंबर दे रहे हैं तो आपको इसके सामने वाले से और नंबर देने हैं, एक, दो और तीन। अब देखिए दोस्तों, इनमें और इस आकृति में अलग है। इनके अंदर चार कॉलम है, ऊपर से भी नंबर देने पर चार कॉलम आ रहे हैं, इनके अंदर भी यहां से देने पर पांच और ऊपर से देने पर यहाँ पे भी पांच नंबर आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर यहाँ से नंबर देने पर पांच है, ऊपर से नंबर देने पर तीन आ रहे हैं। तो अब आप किसके साथ में किसका गुणा करोगे, तो आपको यहां से ध्यान रखना है, नंबर दे रहे हैं वहां से नहीं करना है, यहां से आपको मल्टीप्लाई करना है और जो पीछे रहेंगे उनको आपस में नहीं करना है। इनको आपस में क्या करोगे, छोड़ दोगे, इनके लिए कोई संख्या यहाँ है ही नहीं। तो अब इनका गुणा करना है, एक को किससे करोगे, तीन से, दो को किससे करोगे, चार से और तीन को किससे करोगे, पांच से। अब इनके साथ में इनकी कोई संख्या नहीं है तो आपको गुणा
नहीं करना है, यही इसके अंदर आपको ध्यान रखना है। अब गुणा करने पर 3, 8 और 15, अब इनकी क्या करनी आपस में जोड़ करनी है, तो आपके पास में उत्तर कितना आ रहा है 11 और 15 26। आपके पास में इनके अंदर वर्गों की संख्या कितनी आ रही, 26 आ रही। सबसे आसान तरीका ये, अब इसके अंदर भी देख लीजिए आप, इस कोने से आपको नंबर देना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 आ रहे हैं। अब इस कोने के जस्ट सामने वाले कोने से ही आपको नंबर देना है 1, 2, 3, 4 और 5। अब इनके अंदर यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो आपको आपस में यहां से क्रॉस मिलाते हुए जाना है, जो शेष रहेंगे उनको आपको छोड़ देना है, गुणा नहीं करना है। तो अब इसके अंदर भी 1 और 2 पीछे रह रहे हैं, अब इनका भी क्या करना है आपको, मुझे यहाँ पे गुणा करके आप बताइए, 1 को किसके साथ गुणा करें, 2 को किसके साथ गुणा करें, 3 को किसके साथ, 4 को किसके साथ और 5 को किसके साथ में गुणा करें, और इसमें उत्तर कितना आ रहा है, इसके अंदर वर्गों की संख्या कितनी है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर उत्तर दें, ताकि मुझे पता चले कि आप वर्गों की गणना आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो मैं और आपके लिए नई ट्रिक लेकर के आऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।